हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एग्जांपल्स लेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। लास्ट वीडियो में मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्केन्स के लिए कुछ रूल्स आपको बताए थे, वो रूल्स एक साथ पढ़ा दिए थे, उनके एग्जांपल्स नहीं लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरह से उन रूल्स को अप्लाई करना है। इन एग्जांपल्स को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, इन एग्जांपल्स को करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के रूल्स बताऊंगा, इनके नेम लिख के बताऊंगा और इन नेम्स को आपको वापस अपने कॉपी में खुद करना है। फर्स्ट एग्जांपल, हमें मैंने आपको जैसा बताया मेन चेन सिलेक्शन करना होगा। मेन चेन सिलेक्शन करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में साफ दिखाई दे रहा है, या तो ये थ्री कार्बन की तो मेन चेन हो नहीं सकती, या तो ये मेन चेन होगी या फिर ये मेन चेन होगी, एक ही बात है। और नंबरिंग इसी और से करना होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पर इसी और से है, नंबरिंग यहां से नहीं करना, मेन चेन के कॉर्नर से स्टार्ट करना है। इस एग्जांपल में नंबरिंग हम यहां से करते हैं। हम कई बार एक स्टेप, एक पॉइंट का, एक टर्म का यूज कर चुके हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लुकिंग। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां आप लोग इजीली क्लियर कर देता हूं। इस एग्जांपल में नंबरिंग अगर हम लोग राइट साइड से करें तो राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सेट आ रहा है 2 एंड 4, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट साइड में अगर मैं नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूएंट का सेट आता है 2 एंड 4। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की और नंबरिंग करूं, यहां से नंबरिंग करूं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3 एंड 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट का सेट आएगा। अगर हम लोग इस तरीके से सेट बनाते हैं तो इस सेट में फर्स्ट नंबर जो छोटा नंबर है उसे हम प्रिफर करेंगे। लोएस्ट सेट का मतलब यही है कि फर्स्ट नंबर को देखेंगे, जो नंबर छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी नंबरिंग करेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर सेम हो तो सेकंड नंबर में इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, सेकंड सेम हो तो थर्ड, थर्ड इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर लोएस्ट सेट दोनों ओर से सेम हो, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेट सेम हो लोकेशन, तो उस केस में हम लोग किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले रूल को अप्लाई करके। इस एग्जांपल में आप वही लोएस्ट सेट वाला रूल देखिए, इस तरफ से अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट आता है 3rd पर, 4th पे एंड 7th पोजीशन पर। एक सेट बनता है 3rd, 4th एंड 7th का। अगर राइट साइड से नंबरिंग करें तो लोएस्ट सेट आएगा इस ओर से, क्योंकि यहां से नंबरिंग करने पर 2 पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो ये सेट होगा 2, 5 एंड 6। आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पोजीशन सेम, फर्स्ट पोजीशन ये लोअर है, ये सही नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोएस्ट सेट रूल का यूज किस तरीके से करना है। इस एग्जांपल में नंबरिंग करते हैं, यहां से नंबरिंग करें तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर एंड 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। इस और से नंबरिंग करें तो भी सेकंड पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब लोएस्ट सेट की बात करें तो वो यहां अप्लाई नहीं हो रहा, दोनों तरफ से उनकी पोजीशन का सेट सेम है। अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम हो तो आपको बताया गया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, हम लोगों ने नंबरिंग का रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हम देखते थे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए, देन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। एल्केन्स में ना तो फंक्शनल ग्रुप होगा ना मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने आपको रूल बताया था फॉर नंबरिंग, नंबरिंग के लिए, क्योंकि यहां मुझे नंबरिंग का ही यूज करना है इसलिए। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट की लोएस्ट पोजीशन देखनी थी, यहां सब्स्टिट्यूएंट की लोएस्ट पोजीशन से काम नहीं चल रहा है।
अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का भी सी क्लोरो के सी से पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हमें इस और से करनी होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में यदि नंबरिंग यहां से करें इस और से, तो सेट देखिए, पोजीशन का सेट देखो, आप फर्स्ट पर एंड फिफ्थ पोजीशन पर सब्सिट्वेंट है, अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पर और सिक्स पोजीशन पे नंबर ऑफ सब्सिट्वेंट्स हमें दिखाई देते, उस हिसाब से लोवेस्ट सेट हमें लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पे मिल रहा है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ कंसिडर नहीं करना है क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर बताया, अगर हमें सब्सिट्वेंट की लोवेस्ट पोजिशन के बेसिस पर नंबरिंग मिल रही है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी और लोएस्ट सेट यहीं से आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर राइट साइड से नंबरिंग करें तो सब्सिट्वेंट फर्स्ट पे एंड सेकंड लास्ट पोजीशन पे दो सब्सिट्वेंट आएंगे, तो नंबरिंग का सेट राइट साइड से ही सही है। इस साइड से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट 4 एंड 4, अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 2 एंड 5, तो 1 4 4 का सेट ज्यादा सही होगा एज कंपेयर टू यहां से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5, 2 2 एंड 5। तो लोएस्ट सेट कौन सा है? ये वाला लोएस्ट सेट है, ये नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन इसमें कम है। इस एग्जांपल में देखें, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो सब्सिट्वेंट की पोजीशन का सेट आ रहा है 2 2 एंड 4, अगर नंबरिंग यहां से करते तो पोजीशन का सेट आता 2 4 4। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहां उनकी सब्सिट्वेंट की पोजीशन के बेसिस पर ही हम लोग नंबरिंग कर पा रहे हैं, जब सब्सिट्वेंट की पोजीशन सेम होती तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। तो इस तरफ से आप देखिए, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड ये स्मॉलर है, ये सही नंबरिंग है, मतलब हमें नंबरिंग इस साइड से करनी है, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करनी है। इस एग्जांपल में देखिए, यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो सब्सिट्वेंट मेन चेन तो यही है, नो डाउट, इसमें कोई देखो सिंपल सा एग्जांपल, इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे सब्सिट्वेंट आएगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो थर्ड पोजीशन से सब्सिट्वेंट आएगा, तो लोएस्ट सेट लेफ्ट साइड से ही होगा, तो नंबरिंग हमें ये इस एग्जांपल के लिए करनी होगी। स्टार्टिंग के 8 एग्जाम्पल मैंने केवल नंबरिंग के लिए लिए थे, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9th पे आता हूं, इसमें मेन चेन सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में सबसे पहला काम तो मेन चेन सिलेक्शन का ही है, ऊपर वाली एग्जाम्पल्स में चेन्स तो हमें साफ दिखाई दे रही थी, इस एग्जाम्पल में मेन चेन सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो मेन चेन सिलेक्शन के लिए आप लोगों को मैंने रूल बताया था, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप का मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में हो उसे सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद में जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो उसे सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद में हमें सब्सिट्वेंट का नंबर देखना होता है कितने सब्सिट्वेंट है, और इसके बाद में लोकेंट लोकेंट देखना होता है, फिर उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है। ये नंबरिंग के ये मेन चेन सिलेक्शन के लिए रूल था जो कि आपको मैंने पहले बता रखा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा यहां दिखाई देना नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उन्हीं रूल्स को वापस अप्लाई करते हैं। इस चेन में देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहां 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ 3 4 चेन ऐसी हैं जो कि केवल 5 कार्बन की हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे इसका सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसी एक से ज्यादा चेन हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो आप लोगों को रूल बताया था, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो उसके जस्ट बाद देखा जाता है नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट्स, सब्सिट्यूएंट्स की ज्यादा से ज्यादा नंबर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। अगर ये मेन चेन है, ये वाली चेन मेन चेन है, तो इस चेन पर यहां इस पोजीशन पर एक सब्सिट्यूएंट है, अगर ये मेन चेन है तो एक और सब्सिट्यूएंट है, मतलब इस चेन पर नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट अगर काउंट करें तो एक सब्सिट्यूएंट तो ये है और दूसरा सब्सिट्यूएंट ये है, अगर ये मेन चेन है तो इसमें नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट काउंट करें, एक सब्सिट्यूएंट ये रहा, एक सब्सिट्यूएंट ये रहा,
और दो सब्सिट्यूएंट ये रहे, मतलब इस चेन पर फोर सब्सिट्यूएंट अटैच्ड हैं। अगर ये मेन चेन है तो इस मेन चेन में नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट काउंट करें तो आते हैं 3, क्योंकि इस पोजीशन पे दो सब्सिट्यूएंट थे मिथाइल और इस पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल, तो इस चेन में 3 सब्सिट्यूएंट है। तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि इस एग्जांपल में ये चेन मेन चेन होगी, तो इस चेन में ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर से हमें नंबरिंग करनी है। मेन चेन सिलेक्शन हमने कर लिया, नंबरिंग के रूल पे आते हैं, तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो 2 पोजीशन पे 2 सब्सिट्यूएंट है, लोवे सेट इसी ओर से आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेन चेन हो गई। यहां से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, वो एक ही बात है, या फिर 1 2 3 4 5 एक ही एग्जांपल है। नेक्स्ट, इस एग्जांपल में भी पहले मेन चेन सिलेक्शन करना ही होगा, उसके बाद नंबरिंग होगी। तो मेन चेन के लिए मैंने आपको बताया हमें एल्केन्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इस पर तो केवल 5 ही है, इस पर 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 7 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की 2 चेन्स हैं जो कि लॉन्गेस्ट चेन है। इस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भले ही ज्यादा है बट यहाँ कार्बन कम है, मेन चेन में कार्बन कम है, तो हमें इन दोनों चेन में से सिलेक्शन करना होगा मेन चेन कौन सी है। ऑब्वियसली ये ही मेन चेन होनी चाहिए क्योंकि इस पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अब इस मेन चेन में दोनों कॉर्नर से नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा है। अब इन एग्जांपल्स की हम नेमिंग करते हैं, आप पहले वीडियो पॉज करके सभी की नेमिंग कीजिए और उसके बाद में इनके सॉल्यूशंस आप चेक कीजिएगा। मैं इनके नेम्स लिख देता हूं, इन एग्जांपल्स के नेम लिखता हूं, आपने मैच कीजिएगा। मैंने आपको रूल्स बताए थे, पहले प्रीफिक्स लिखना होता है वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। यहां सब्स्टिट्यूएंट का नेम सबसे पहले आता है जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाता है, तो यहां सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पर CH3 मिथाइल, ये मिथाइल है CH3 है, तो नेम होगा जो कि 2 पोजीशन पर है 2 मिथाइल, देन मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, और ये एल्केन है तो एन। आपको बताया गया था मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग वर्ड रूट कहते हैं, तो जो कि मेन चेन में कार्बन 6 है इसलिए हेक्स लगाया है। सब्स्टिट्यूएंट जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उसे वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट था सेकंड पोजीशन पर, वो मैंने लिख दिया है। ये एल्केन है, सफिक्स एन इसके लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल नंबर 2 में 2 एंड 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इस तरह यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे 2 मिथाइल एंड 4 मिथाइल, एक साथ लिखेंगे 2 4 डाइमिथाइल एंड मेन चेन में 6 कार्बन होने के कारण हेक्सेन। एग्जांपल नंबर 3 में 2 5 एंड 6 पोजीशन पर तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और मेन चेन में टोटल 8 कार्बन है इसलिए ऑक्टेन। मैं एक बार पुराने रूल वापस बता देता हूं कि नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा लगाना चाहिए, नंबर और किसी वर्ड के बीच में हम लोग हाइफन का यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद कोई कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे और गैप कहीं नहीं आना चाहिए। एग्जांपल नंबर 4, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाएगा, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो वर्ड रूट से पहले ही आएंगे, तो नेम होना चाहिए इसका 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से पहले आता है, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, और मेन चेन में कार्बन 6 है इसलिए हेक्सेन। एग्जांपल नंबर 5, ब्रोमो की पोजीशन कहीं भी हो, क्लोरो की पोजीशन कहीं भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है तो नेम होगा इसका
फाइव ब्रोमो वन क्लोरो और मेन चेन में सिक्स कार्बन है, इसलिए इसे हेक्स और एल्केन के लिए एन हमें यूज करना ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सिक्स, इसके लिए नेम होना चाहिए ब्रोमो है और क्लोरो है, तो सब्सिट्यूएंट का नेम है ब्रोमो एंड क्लोरो। तो फोर पोजीशन पर दो सब्सिट्यूएंट है जिसका नेम है डाई फोर फोर डाई ब्रोमो वन क्लोरो पेंटेन, पांच कार्बन मेन चेन में है इसलिए पेंटेन। एग्जाम्पल नंबर सेवन, हाँ अब यहां ये भी आता है कि हम लोगों ने डाई और क्लोरो का सी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि यही बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, तो क्लोरो का तो सी डाई ब्रोमो के से पहले आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको मैंने ये भी बताया था कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना होता है। यहां सब्स्टिट्यूएंट का नेम ब्रोमो है, डाई ब्रोमो नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम ब्रोमो का बी कंसीडर किया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्लोरो का सी कंसीडर किया है। एग्जाम्पल नंबर सेवंथ में नेम होगा फोर ब्रोमो टू टू डाई क्लोरो पेंटेन, टू टू डाई क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर एट, एट एग्जाम्पल में टोटल कार्बन टेन है क्योंकि टेन कार्बन के अकॉर्डिंग डेकेन होगा और इस पर 5 मिथाइल अटैच्ड है, तो 5 मिथाइल के लिए हम लोग पेंटा मिथाइल वर्ड यूज करेंगे जो कि कहां है 2 पर 2 5 6 7 8 पेंटा मिथाइल डेके 2 5 6 7 पेंटा मिथाइल डेके। एग्जांपल नंबर 9, यहां आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, तीन तो मिथाइल हैं और इस थर्ड पोजीशन पर दो कार्बन वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसके लिए इथाइल वर्ड यूज किया जाता है, तो ये हो गया 3 इथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल एंड देन पेंटेन। इस एग्जांपल के लिए 10th एग्जांपल में इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम मैंने आपको पहले भी बताया है, अगेन इसकी नेमिंग करते हैं। आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट जहां से मेन चेन से अटैच्ड हो वहां से उसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, तो इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 1- और 2-, इसके मेन चेन में दो ग्रुप है और इसका नेम होना चाहिए 1-methyl-ethyl, ये दोनों मिथाइल है, तो नेम होगा इसका आइसोप्रोपाइल भी इसका नेम है और आईयूपीएसी ने आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो दो तरीके से इसके आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, पहला तो मैं सिस्टमैटिक नेम लिख देता हूं, सिस्टमैटिक नेम होगा 2-2-dimethyl देन एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजिशन पे 3 जिसका नेम है 1-methyl-ethyl और टोटल कार्बन 7 है इसलिए हेप्टेन। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप इसे आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज करना चाहते हो तो M से पहले आने के कारण I M से पहले आएगा, इसलिए आप लिखोगे 3 आइसोप्रोपाइल 2-2 डाइमिथाइल हेप्टेन, अगेन 3 आइसोप्रोपाइल 2-2 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये भी इसका नेम लिखा जा सकता है जिसमें आप आइसो वर्ड का आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हुए ये एग्जांपल्स कर सकते हैं। इसके और एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।